हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉड्यूलस फंक्शन सीखेंगे। मॉड्यूलस फंक्शन को शॉर्ट में मॉड फंक्शन भी कहा जाता है। f(x) उसमें फंक्शन की वजह से डिफाइन होता है कि या तो फंक्शन की वैल्यू x होगी या तो माइनस ऑफ x। अगर इनपुट जो है 0 या 0 से बड़ा होगा तो आउटपुट वही रहेगा, पर अगर इनपुट 0 से छोटा होगा तो आउटपुट उसका भी नेगेटिव होगा, और नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव। और एक बात और नोट करने लायक है कि यहाँ पर जो फंक्शन है उसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी सिंबल होता है मॉड्यूलस का, सब बहुत ट्रिवियल बातें हैं। अच्छा, अगर एग्जांपल से पूछा जाए सो व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ 4, तो आपको प्लस 4, 4 का मॉड 4 है, ये इसके डिग्री के अंदर बैठ रहा है। जब इनपुट जो है फंक्शन के अंदर जो हम पुट कर रहे हैं वो अगर 0 या 0 से बड़ा होगा तो आउटपुट वही रहेगा। अच्छा, व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ -3, तो यहाँ इनपुट क्या है लेस देन 0, देखिए x जो है वो लेस देन 0 है, तो आउटपुट क्या होगा उसका नेगेटिव होगा, तो -3 का नेगेटिव क्या होता है, तो +3 होता है। और ये आप सब बचपन से जानते हैं कि मॉड जो है माइनस को प्लस कर देता है, ऐसा हमने सीखा था। ये फंक्शन तब इस्तेमाल होता है जब हमें कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी होती है जिसमें नेगेटिव साइन अलाउड नहीं होगी, टर्म्स पॉजिटिव रखने होते हैं, तब इसका नॉर्मली इस्तेमाल। अब अगला सवाल इसके अंदर ये बनता है कि इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा। तो इसका ग्राफ को जैसे बनेगा कि सपोज आपके पास कुछ इनपुट वैल्यूज है एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो इनपुट के तौर पर अगर मैं 0 लूँ तो आप बताइए आउटपुट क्या होगा। तो आप जानते हैं 0 इनपुट पर मॉड ऑफ 0 0 ही होता है, नहीं मिलेगा। इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट क्या होगा, तो ऑब्वियसली 1 होगा, पॉइंट समवेयर हियर आपको। इनपुट अगर 2 है तो आउटपुट क्या है, तो 2 होगा, 2 पे 2 ही होता है, 2 का मॉड 2 होगा। अगर आप ऐसे सारे लाइन पॉइंट्स को जोड़ते जाए तो ग्राफ बनेगा जो y = x, यानी f(x) = x को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो ये हिस्सा है फंक्शन का वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ग्राफिकली। और अगर -1 पे पूछा जाए क्या आउटपुट होगा, तो -1 पे आउटपुट जो है 1 ही होगा, मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव होता है, वैसे ही -2 पे 2 होगा। उस हिसाब से ग्राफ इस सेट को जैसे बनेगा जो f(x) = -x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ होता है मॉड्यूलस फंक्शन का। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर डोमेन और रेंज क्या होगा। तो डोमेन के लिए हमेशा आपको इनपुट देखना होता है, तो आप देख सकते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू जो है इनपुट के तौर पर ली जा सकती है। तो आप कह सकते हैं डोमेन हियर इज, यहाँ पर जो डोमेन है वो रियल नंबर्स है, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इनफिनिटी। पर रेंज के लिए हमेशा y एक्सिस देखना होता है आउटपुट्स क्या है, तो आउटपुट आपको 0 से लेके इनफिनिटी तक ही दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिव आउटपुट कभी नहीं दिखाई देता। तो यहाँ जो रेंज है वो है ओपन 0 से लेके इनफिनिटी तक। तो आई होप आपको मॉड्यूलस फंक्शन के बेसिक आइडिया में कोई डाउट नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं मॉड्यूलस फंक्शन पे। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर फंक्शन दिया है 1/mod(x), हमें डोमेन और रेंज निकालना है। तो अगर डोमेन की बात की जाए तो डोमेन के लिए हमें हमेशा इनपुट वैल्यूज़ देखनी पड़ती है, वो इनपुट वैल्यूज़ जो फंक्शन को वेल डिफाइंड रखे। तो अगर आप देखें तो यहाँ एक ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें डिनोमिनेटर में मॉड एक्स है जो कि 0 नहीं होना चाहिए। अब मॉड एक्स 0 कब होता है, तो मॉड एक्स 0 एक ही सिचुएशन पे होता है जब एक्स 0 होता है। तो एक्स 0 नहीं होना चाहिए, तो एक्स कैन नॉट बी 0 हियर। तो what do we see that the domain is the set of all real numbers except 0, minus infinity से 0 और 0 से infinity के बीच में कुछ भी हो सकता है सिवाय 0 के। इसी को लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है set of all real numbers except 0, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये तो domain की बारी बात हो गई। अब बात करते हैं range की, रेंज कैसे निकलेगा। तो रेंज के लिए हमेशा आउटपुट देखना होता है, मतलब y देखेंगे, f(x) देखेंगे। तो अगर आप देखें तो रेंज तो आपका 1/mod(x) से ही समझ में आएगा। अब आप मुझे बताइए कि मॉड x जो है वो नॉर्मली जो है ना वो क्लोज्ड 0 से इन्फिनिटी तक होता है नॉर्मली। लेकिन यहाँ पर जो मॉड x की वैल्यूज़ होगी, वो ओपन 0 से इन्फिनिटी तक होगी। सोचो, बहुत आसान है सोचना, क्योंकि x खुद 0 नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है, 0 अलाउड ही नहीं है, तो मॉड x भी 0 हो नहीं सकता। और तो फिर मॉड x क्या हो सकता है, तो वो ओपन 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। मॉड x जो है 0 नहीं हो सकता, 0 से आगे कुछ भी लिया जा सकता है। और मॉड का नॉर्मल रेंज 0 टू इन्फिनिटी होता है, मॉड के लिए यही आउटपुट्स होते हैं।
तो अगर मॉड x 0 से इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन मॉड x का क्या रेंज होगा, क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? तो सोचिए, मिनिमम वैल्यू मॉड x की 0 है, तो आपको सोचना होगा कि 1 अपॉन 0 क्या होगा। तो 1 अपॉन 0 जो है इन्फिनिटी पर अप्रोच करता है, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 पर अप्रोच करता है, तो ये 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आना चाहिए। याद रखिए, x की मॉड x की जो मिनिमम वैल्यू है बेस की, वो 0 है। तो जब फंक्शन 1 अपॉन 0 के नज़दीक जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, 1 अपॉन 0 इट ऑलवेज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी दिस ऑलवेज अप्रोचेस टू 0, क्लोज टू 0। जैसे जैसे आप डिनोमिनेटर बढ़ाते जाते हो तो फ्रैक्शन जो है वो जीरो के नज़दीक जाता है, 1/2, 1/4, 1/8। आप सोचो, नॉर्मल मैथमेटिक्स है। और जैसे जैसे आप डिनोमिनेटर को जीरो के नज़दीक ले जाओगे, फ्रैक्शन जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स बढ़ते जाता है। आप सोचो, ये भी बहुत आसान है सोचना कैसे, कि जैसे अगर एक फ्रैक्शन है 1/1, उसके अगर मैं डिनोमिनेटर को जीरो के नज़दीक लेते जाओ, देखिए ये हो रहा है 0.5, ये हो रहा है 0.25। जैसे जैसे मैं इसको डिनोमिनेटर को जीरो के नज़दीक ले जाऊंगा, तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, इस फ्रैक्शन की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो एज द डिनोमिनेटर अप्रोचेस 0, द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन, द लिमिट ऑफ द फंक्शन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और यहाँ पर एज द डिनोमिनेटर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये तो आप जानते ही है, जैसे अगर मैं डिनोमिनेटर को बढ़ाते जाऊँ तो फंक्शन किसके नज़दीक जाते जाएगा, तो ओवरऑल वो 0 को अप्रोच करेगा, ओवरऑल रेशियो जो है 0 के नज़दीक जाएगा। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो ये जो हिस्सा है, ये है आपका वाई है, यानी ये रेंज डिसाइड होगा। तो रेंज क्या है आपका? रेंज इज ओपन 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको सिर्फ डोमेन फाइंड करना है इस फंक्शन का। तो एक नॉर्मल मेथड से बताऊंगा और फिर एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ। तो नॉर्मल जो टेक्निक है वो ऐसी है कि फंक्शन जो है वो दो अलग अलग वैल्यूज़ लेगा मॉड एक्स के हिसाब से। आप जानते हैं कि मॉड की वैल्यूज़ इनपुट पर डिपेंडेंट होती है। तो अगर इनपुट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो उस वक्त जो फंक्शन है वो कुछ ऐसी वैल्यू लेगा। ये जो हो जाएगा, ये सीधा प्लस एक्स हो जाएगा। तो माइनस तो अपनी जगह है, मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होती है उस वक्त। अच्छा, अगर इनपुट यानी कि x लेस देन 0 है, तो उस वक्त जो फंक्शन होगा वो x माइनस ऑफ माइनस x होगा। ये समझ रहा है ना क्या कर रहा हूँ मैं? बस मॉड x की जगह पर एक बार प्लस x लिखा, और उसी मॉड x की जगह पर एक बार माइनस x लिखा। सो अल्टीमेटली ये जो पार्ट है फंक्शन का, वो 1/0 हो जाएगा, और ये वाला 1/√2x हो जाएगा। ये कब हो रहा है? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और ये तब होगा जब x लेस देन 0 होगा। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं, फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड फॉर सच अ केस। और यहाँ पर सोचो 1/√x, लेकिन x जो है वो कौन कौन सी वैल्यूज़ ले रहा है? तो वो तो नेगेटिव वैल्यूज़ ले रहा है। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आप ये कहोगे अल्टीमेटली कि फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड, ये तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है फॉर एनी रियल नंबर, दैट इज़ फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। ये समझ में आया? तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है किसी भी रियल नंबर के लिए, मतलब इस फंक्शन के लिए आप कोई डोमेन ढूंढ नहीं पाएंगे। अब दूसरा हिस्सा, मतलब जो ईजी मेथड है वो बताता हूँ। देखिए, शॉर्ट मेथड है, वो नॉर्मल मेथड होगा जो आप जैसे पहले सोचते थे कि आप सोचिए कि रूट के अंदर जो भी टर्म होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन ये रूट डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में जो टर्म होता है वो 0 भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो रूट के अंदर का टर्म है, ये कभी 0 हो गया तो रूट ऑफ 0 0 होगा, तो 1/0 के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये टर्म 0 नहीं होना चाहिए। तो दिस शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ये पूरा के पूरा टर्म जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ताकि रूट पॉजिटिव रहे और डिनोमिनेटर में 0 भी ना आए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ x। अब आप सोचिए कि कौन से ऐसे x है जिसके लिए वो मॉड्यूलस ऑफ x से ग्रेटर होगा। सोचिए ना, जैसे आप केस ले लीजिए, कोई पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, केस नंबर 1 से इफ़ x इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। फॉर एग्जांपल, मैंने x के लिए लिया 4 वैल्यू। तो अगर मैं 4 ले लेता हूँ और इस कंडीशन में पुट कर दूँ, तो क्या हो जाएगा? 4 इज़ ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ 4, और मॉड्यूलस ऑफ 4 क्या होता है? तो 4 ही होता है। तो क्या 4 4 से ग्रेटर है?
चार चार के बराबर है, ग्रेटर नहीं है, तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू इस कंडीशन को, इस कंडीशन में बैठती नहीं, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अच्छा, कोई नेगेटिव वैल्यू लेकर देख लीजिए, फॉर एक्स लेस देन ज़ीरो, मतलब एक्स की जगह मैंने माइनस फोर ले लिया, तो माइनस फोर शुड बी ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ माइनस फोर। वॉट इज मॉड्यूलस ऑफ माइनस फोर? इट इज़ प्लस फोर। तो क्या माइनस फोर प्लस फोर से बड़ा होगा? तो ये भी नहीं बैठ रहा है, ज़ीरो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब ये कि कोई भी एक्स ऐसा नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम डायरेक्टली ये कहेंगे, ये सारे केसेस से हमें समझ में आएगा कि दिस कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड, तो दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो रफ वर्क है, ये आप साइड में लिख लीजिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। तो समझ में आया कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का कोई डोमेन नहीं होगा, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर रियल नंबर्स। तो आप वीडियो पॉज करके जल्दी जल्दी इसे नोट डाउन करें। अब देखिए, अगर मैं इसी क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर दूं, यहाँ जहाँ माइनस लिखा है ना, माइनस, बस इसकी जगह मैं प्लस कर दूं, तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए ज़रा ध्यान से, जहाँ माइनस था वहाँ हमने प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स और ये हो जाएगा x प्लस माइनस एक्स। बाकी तो सेम है ना, मॉड्यूलस ऑफ x x होता है जब x 0 या 0 से बड़ा होगा, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस एक्स होता है जब x 0 से छोटा होता है। तो इफ़ वी सॉल्व दिस स्टफ तो हमें ये मिलेगा 1 अपॉन रूट ऑफ 2x और ये हो जाएगा 1 अपॉन 0। दिस इज़ व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड दिस इज़ व्हेन x इज़ लेस देन 0। सो ये तो सीधा सीधा चल दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ 1 अपॉन 0 है विच इज़ नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर में 0 नहीं मानता। अब ये यहाँ पर देखिए इनपुट कौन सी वैल्यूज, इनपुट में कौन सी वैल्यूज़ है, तो इनपुट में नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ है। नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ मतलब ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़, तो ज़ीरो नहीं चलेगा, ज़ीरो नहीं चलेगा। हम यहाँ बोल रहे हैं कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, अगर ज़ीरो आ गया तो डिनोमिनेटर में फिर से ज़ीरो आ जाएगा। सो दिस वर्क्स ओनली इफ़ x बिलोंग्स टू ओपन ज़ीरो टू इन्फिनिटी। सो दिस इज़ द डोमेन हियर, द फंक्शन वर्क्स ओनली इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी, तो यही इनपुट के लिए एक्सेप्टेबल है। दूसरा तरीका वही ईजी मैथड वाला, वो है ये है, देखिए ज़रा ध्यान से, उसमें हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो जैसे पहले अप्रोच किए थे, एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, इक्वल टू नहीं आएगा, अपॉन में है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा एक्स इज़ ग्रेटर देन और मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस ऑफ एक्स, ऐसे सोच सकते हैं। तो अब आप सोचिए कौन कौन सी वैल्यूज़ है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। आप सोचिए कि कोई पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, सपोज एक्स की जगह मैंने 5 ले लिया, 5, तो इट इज़ मॉड्यूलस ऑफ 5, इट इज़ 5, और इस 5 इज़ मॉड्यूलस ऑफ 5 ग्रेटर देन माइनस ऑफ 5, ऑब्वियसली येस, तो एनी पॉजिटिव नंबर विल बी सेटिस्फाइड बाई दिस। अगर मैं माइनस कोई नेगेटिव नंबर लेकर देखता हूँ, उसे माइनस 5 लेकर देखता हूँ या माइनस 6 लेकर देख लेता हूँ, तो देखिए मॉड्यूलस ऑफ माइनस 6 शुड बी ग्रेटर देन माइनस ऑफ माइनस 6, ये समझ रहा है ना। x की जगह पर मैं माइनस 6 लिख रहा हूँ दोनों जगह पर, ये x है और ये भी x है यहाँ पर, तो मॉड्यूलस ऑफ माइनस 6 क्या होगा, वो 6 हो जाएगा, और माइनस ऑफ माइनस 6 वो भी 6 होगा। तो क्या 6 6 से ग्रेटर है? नहीं। इसका मतलब ये कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू ली नहीं जा सकती, पॉजिटिव वैल्यू ली जा सकती है। ज़ीरो ले सकते हैं क्या? 0, तो 0 पुट करो तो मॉड 0 और 0 का नेगेटिव 0 ही होता है। तो क्या 0 0 से बड़ा होता है? नहीं नहीं 0 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब कौन कौन सी वैल्यूज़ अलाउड है? Only positive values are allowed. तो इस हिसाब से समझ में आया कि x belongs to 0 to infinity, जो हमने यहाँ भी देखा था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया। देखो कैसे सिर्फ प्लस का माइनस कर दिए और माइनस का प्लस कर दिए, तो कैसे थोड़ा सा जो है डोमेन में, मतलब फंक्शन नॉट डिफाइन से सीधा डिफाइन में आ गया। तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, ऑर्डर चेंज किया हूँ मैंने। तो ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है, आप ट्राई कीजिए, डाउट अगर रहेगा तो वो हम क्लियर कर लेंगे। तो टेक दिस एज होमवर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो फिर से डोमेन निकालना है।
तो हमारा नॉलेज तो ये कहता है कि रूट के अंदर का जो भी टर्म होगा, सॉरी, वन माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन टू माइनस मॉड ऑफ एक्स, ये या तो ज़ीरो या तो ज़ीरो से बड़ा होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब अगर इसमें अगर हम ऊपर नीचे माइनस मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, फ्रैक्शन रेशो कुछ ऐसा हो जाएगा। बेसिक है, बेसिक समझ में आना चाहिए। या यूँ समझिए कि आपने अगर ऊपर ऑर्डर चेंज किया तो माइनस की साइन बाहर फेंकेगा, नीचे भी एक माइनस की साइन आएगी, वो कैंसल आउट हो जाएगी। तो सो फार हमें ये समझ में आता है। अब देखिए ये जो कंडीशन है ये दो जगह पर सेटिस्फाई होती है। एक केस तो ये होगा जब मॉड ऑफ एक्स जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन टू होगा, तब ये जो है ये वैल्यू जो है सेटिस्फाई हो जाएगी यहाँ पर। वो कैसे? तो अगर मॉड ऑफ एक्स टू से बड़ा है, तो जैसे मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 3 आ रही है, 4 आ रही है, 3.5 आ रही है, सपोज मैं 3 मान लेता हूँ, तो देखिए डिनोमिनेटर पॉजिटिव है अगर मॉड ऑफ एक्स 3 है, और न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, 3-1 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो कोई भी ऐसा मॉड जो 2 से बड़ा होगा वो इस पूरे फ्रैक्शन को पॉजिटिव रख रहा है, और अगर कोई ऐसा मॉड हो जो 1 से छोटा हो तो वो भी इस फ्रैक्शन को पॉजिटिव रखेगा। जैसे अच्छा 1 भी होगा तो भी चल जाएगा। कैसे? अगर मॉड ऑफ एक्स 1 है तो ऊपर वाला 0 हो गया, और 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, 0 तो चल जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। और उस 1 से कोई छोटा नंबर जैसे आपने 0.5 रख लिया, तो मॉड ऑफ एक्स अगर 0.5 है तो ये माइनस में आ गया, ऊपर वाला टर्म नीचे वाला भी माइनस में, माइनस अपॉन माइनस प्लस हो जाता है, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अच्छा मॉड ऑफ एक्स, आप ये तो नहीं सोच रहे ना कि सर 1 से छोटा है तो माइनस 5 भी हो सकता है? मैं मॉड ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ। मॉड ऑफ एक्स अगर 1 से छोटा है तो वो कम से कम 0 होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। इफ़ इट इज़ लेस देन 1 देन इट कैन बी 0। तो अगर मॉड ऑफ एक्स 0 है तो ऊपर 0-1 नेगेटिव है, और 0-2 भी नेगेटिव है, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव अल्टीमेटली पॉजिटिव होगा। सो ऑल दिस विल वर्क। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स अगर 2 से बड़ा है तो एक्स कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, तो यहाँ पर एक्स विल बिलोंग टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, और इस हिसाब से एक्स जो है वो माइनस 1 और प्लस 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। और ये दोनों ही कंडीशन ऑप्शनल है, मतलब दोनों के बीच में और आ रहा है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, तो जो फाइनल डोमेन होगा वो इन दोनों के बीच में यूनियन होगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 2 यूनियन माइनस 1 से लेके प्लस 1 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। ये हिस्सा आपका माइनस 1 से लेके प्लस 1 है, लेकिन ये क्लोज्ड माइनस 1 से लेके प्लस 1 है, मतलब 1 भी वैल्यूज ली जा सकती है, वो भी चल जाएगी। तो ये एक तरीका हुआ सॉल्व करने का। दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का ऐसा होगा कि फाइनली अगर मैं ये वाले स्टेप से ही सॉल्व करूँ तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होगा, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 दिस शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, मतलब न्यूमरेटर तो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना। न्यूमरेटर 0 या 0 से बड़ा चल जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर तो 0 से बड़ा ही होना चाहिए। अब अगर मैं इन दोनों ही कंडीशंस को सॉल्व करूं तो इसके जो रूट्स है, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 लेकर अगर अप्रोच करें तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स की दो वैल्यूज हो सकती है माइनस 1 और प्लस 1, उस हिसाब से वहां पर एक्स की दो वैल्यूज हो सकती है माइनस 2 और प्लस 2। और इसे अगर हम वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करें, अगर आप नॉर्मल वैल्यूज पुट करके देखें तो आपको यहाँ प्लस माइनस दिखाई देगा, और जब अगर आप देखें तो क्योंकि ग्रेटर देन चाहिए तो हर जगह जो जो प्लस वाले हैं वो देखेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 तक यूनियन माइनस 1 से लेके प्लस 1 तक, क्योंकि ये जो 1 वाला जो रूट है वहाँ पर इक्वल टू 0 है, इक्वल टू की भी साइन है, इसलिए क्लोज इंटरवल यूनियन 2 से लेके सारा आगे 2 से इन्फिनिटी तक। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उसमें से सॉल्व कर लीजिए। सो वन लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू मॉड्यूलस फंक्शन इज रिलेटेड टू द रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज निकालना है ने वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखिए, अगर हम इस टर्म को देखें तो ये तो एक्स माइनस 3 द होल स्क्वायर है, कैंसलिंग आउट रूट एन स्क्वायर, व्हाट वी गेट इज मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। अब आप सोचो ना कि ये जो टर्म है मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, ये कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है।
आप सोचिए। तो अगर हम थोड़ा सा भी गौर करें तो हम ये समझ जाएंगे कि इसकी वैल्यू वन से बड़ी नहीं हो सकती। मैक्स टू मैक्स अगर इस टर्म की वैल्यू होगी तो वो वन होगी। सोचो कि अगर मॉड ऑफ x माइनस थ्री अगर टू है या थ्री है या इसकी वैल्यू फाइव है तो क्या होगा। अगर इसकी वैल्यू थ्री होती तो ये वन माइनस टू थ्री यानी माइनस टू होता, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता, फंक्शन डिफाइन नहीं रहता। तो इसका मतलब ये जो मॉड्यूलस है ये वैल्यूज़ क्या क्या ले सकता है, तो ये वैल्यूज़ ले सकता है ज़ीरो और वन के बीच में। हम जानते हैं कि किसी भी मॉड फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो से इन्फिनिटी तक जाती है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हम टू के आगे नहीं जा सकते। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम वन के भी आगे नहीं जा सकते। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ ये मॉड्यूलस लेगा ये ज़ीरो और वन के बीच में लेगा, और वन में से अगर हम किसी ऐसे टर्म को सब्ट्रैक्ट करें जो ज़ीरो और वन के बीच में हो तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो ज़ीरो और वन के दरमियान की होगी। अच्छा, ये मॉड ये जो वैल्यूज़ लेगा ये ज़ीरो भी हो सकती है मॉड की वैल्यू, और एग्जैक्ट वन भी हो सकती है। तो अगर वन में से मैं मिनिमम ज़ीरो को माइनस कर दूँ तो वन मिलेगा और रूट ऑफ वन वन होगा, और वन में से अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू जो ये मॉड्यूलस ले रहा है वो वन है अगर उसको माइनस कर दूँ तो वो ज़ीरो हो जाएगा और रूट ऑफ ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है वाई ये क्या क्या वैल्यूज़ ले रहा है, तो दिस इज़ टेकिंग वैल्यूज़ फ्रॉम ज़ीरो टू वन। आई होप आपको मॉड्यूलस फंक्शन में कोई डाउट नहीं है।